पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री ने इंतहाई अच्छे लोगों ने इंतहाई बुरे काम किए और इंतहाई बुरे लोगों ने इंतहाई अच्छे काम किए, इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। जो अच्छे लोग थे वो इतनी बुरी पीरियड में एग्जिस्ट करते थे कि वो अच्छा काम कर ही नहीं सकते थे, और जो बुरे लोग थे इंतहाई वो इतनी प्रोग्रेसिव पीरियड में एग्जिस्ट करते थे कि वो अगर चाहते भी बुरा काम करना तो नहीं कर सकते थे। इंसान नहीं आज़ाद होते, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं ख़ासतौर पे पावर स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो कितने भी पावरफुल हो, वो DGISI भी हो, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस, वो उनके पास मुकम्मल आज़ादी नहीं होती। पैराडॉक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गायब हो जाएगा, और पैराडॉक्सेस से डरना नहीं चाहिए। एनालिस्ट का काम ये नहीं होता कि वो पैराडॉक्स को सॉल्व करे, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का काम है। एनालिस्ट का काम होता है कि वो पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करे। नाउ द टाइटल ऑफ द टॉक, अगर आप हैंडआउट देखें जो स्क्रीन पे भी है, Judiciary and Military Conundrum, Paradox of Continuing Cooperation and Collusion, but Increasing Contradictions and Conflicts. तो ये एक चीज़ है जो हम सब देखते हैं, एंड वी आर ऑल फैसिनेटेड बाय इट, दैट व्हेन वी लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द मिलिट्री, हमें एक पैराडॉक्स नज़र आता है, विच मीन्स ए सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। हमें ये भी नज़र आता है कि ये एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत सदियों से कोऑपरेट कर रहे हैं और कलूट कर रहे हैं एक साथ, लेकिन एट द सेम टाइम हम बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं व्हेन वी सी दैट ये आपस में लड़ते भी हैं। तो हमें हमारी हिस्ट्री में सिंस द वेरी बिगनिंग और ख़ास तौर पे रीसेंट हिस्ट्री में, स्पेशली आफ्टर 2007, ये दोनों फिनोमेनाज नज़र आते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ कोलूजन होता तो आसान होता समझाना, अगर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होता तो आसान होता समझाना, लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ किस तरह एग्जिस्ट करती हैं। 2007 के बाद भी आफ्टर द लॉयर्स मूवमेंट हम देखते हैं कि देर इज़ कोलूजन एंड देर इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। सो वॉट आई ट्राई टू डू इज टू एक्सप्लेन वाई इज़ दिस कॉन्ट्रडिक्शन देर, ये पैराडॉक्स क्यों है। और जो मैं एम्फसाइज करूँगा आगे जाके वो ये है कि ये पैराडॉक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गायब हो जाएगा, और पैराडॉक्सेस से डरना नहीं चाहिए। एनालिस्ट का काम ये नहीं होता कि वो पैराडॉक्स को सॉल्व करे, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का काम है। एनालिस्ट का काम होता है कि वो पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करे। अच्छा, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि खुदा का शुक्र है कि आप लोग वकील नहीं हैं, तो ज़रा मैं कम से कम लीगल जागरण रखूँगा, और मुझे अंदाज़ा है कि शायद बहुत सारे फैक्ट्स आपको जुडिशियल हिस्ट्री के बारे में ना मालूम हो, तो उसका भी मैं ख्याल रखूँगा कि जहाँ ज़रूरत पड़े आपको फैक्ट्स दे दूँगा। नाउ लेट अस फर्स्ट स्टेट द प्रॉब्लम। इज़ देयर अ पैटर्न ऑफ बोथ कोऑपरेशन एंड कोलूजन एज वेल एज कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द मिलिट्री इन पाकिस्तान्स जुडिशियल हिस्ट्री? ये एक फैक्चुअल सवाल मैंने पूछा कि मैंने आपको कह तो दिया कि भाई आज के लेक्चर का टॉपिक ये, लेकिन ये बात सच भी है या नहीं है कि ये दोनों चीज़ें साथ एग्जिस्ट करती हैं? बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं, साथ नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ कोलूजन है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं, अब ये कोलूजन नहीं रहा, अब तो जुडिशरी आज़ाद हो गई। तो पहला ये एक फैक्चुअल सवाल है, फिर इसको समझाया जाएगा। पर फ़र्ज़ करें मेरी प्रिजम्पशन ये गलत है कि कोई पैराडॉक्स ही नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, तो फिर एक्सप्लेन क्या करें? तो अगर ये पैराडॉक्स है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो फिर इसको एक्सप्लेन किस तरह किया जाए?
अच्छा यहाँ मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ ओनली बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द मिलिट्री, नॉट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पोलिटिकल एलीट, ठीक है ना, इन दो इंस्टीट्यूशंस के दर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। और मैं इसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ इनके दरमियान जो मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं। मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स मैं किस चीज़ को कहता हूँ? मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स वो होते हैं जो दोनों इंस्टीट्यूशंस की फंडामेंटल्स को चैलेंज करें। कि फ़र्ज़ करें एक मिलिट्री डिक्टेटर आता है और वो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करता है और जुडिशरी उस मार्शल लॉ को रेजिस्ट करती है या लगाने नहीं देती या उसको ओवरटर्न कर देती, इसका मतलब है वो मिलिट्री रूल की फाउंडेशंस को चैलेंज कर रहा है। इसी तरह मिलिट्री किस तरह चैलेंज कर सकती है एक मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट में, कि जो जजेस उससे एग्री ना करें उनको वो निकाल बाहर करें, बोथ मे बी एट द टाइम ऑफ मिलिट्री रूल बट इवन इन द टाइम ऑफ सिविलियन रूल, जैसे हमने जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के केस में देखा। इसमें मैं अगर आप लोगों को नहीं मालूंगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एट वेरियस टाइम्स इन योर हिस्ट्री देर हैज़ बीन what is called that judges have been called upon to take oaths of allegiance to military rulers aur unhone wo resist kiya. ye ek aur macro conflict hai jo dono institutions ki foundations ko hila sakta hai agar nahi lete ya agar unko remove kar diya jata. phir ye hai ki one of the central elements through which the military controls this country is its intelligence agencies. to jab judges इंटेलिजेंस एजेंसीज के पावर्स को चैलेंज करते हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस लाइक मिसिंग पर्सन्स, लाइक लार्ज स्केल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इन बलूचिस्तान फॉर एग्जांपल, तो ये भी क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्रोल of how the military exercises power in this country, तो अगर उनको भी hold accountable किया जाएगा तो that would also be a macro conflict. So I'm concentrating on these macro conflicts, not on micro conflicts. मैं क्यों कहता हूँ कि जो मैंने बात कही है कि paradox है वो एक दुरुस्त factual statement है historically. हम देखते हैं कुछ examples ऑफ जुडिशियल कॉपरेशन इन कलूजन ना, ये बहुत सारे आप सबको मालूम होगा, बहुत दफ़ा जुडिशरी ने जो है वो मिलिट्री रूल को लिजिटमाइज किया है, 58 में किया अयूब खान के, फिर 69 में तो कुछ कहा ही नहीं, साइलेंट हो गए, वो आए और चले भी गए, फिर जब वो चले गए तो फिर उसके बाद कहा कि गलत आए थे, नहीं आना चाहिए था, 77 में भी किया, फिर 99 में भी किया, फिर ऑफ कोर्स जो फरार ने ज़िक्र किया कि वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कलूजन इज़ द जुडिशियल मर्डर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर रीसेंट एग्जांपल में आपको नज़र आता है कि इन द 90s जब डिसोल्यूशन हुई असेंबली की, बेनज़ीर भुट्टो की दो दफ़ा हुई, और इवन जब नवाज शरीफ साहब को खुद डिसॉल्व करनी पड़ी असेंबली, उसके पीछे भी इट वाज बैक्ड बाय द मिलिट्री द डिसोल्यूशन, और फिर रीसेंट पास में हमें नज़र आता है कि ये जो सारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है और फिर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, इसमें भी जुडिशियल प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो आपको एग्जाम्पल्स नज़र आते हैं ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू इंस्टीट्यूशंस। अब पैराडॉक्स क्यों है? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। देखिए सबसे पहले 1981 में जजेस ने रिफ्यूज़ किया ओथ लेने से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया, दोरा पटेल साहब, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, अनवारुल हक साहब को तो ओथ नहीं दिया गया। फिर जिन जजेस ने 81 में ओथ भी लिया था उन्होंने जब 99 में मार्शल लॉ लगा तो उन्होंने 2000 में जब उनको ओथ देना, ओथ इसलिए दिया जाता है ताकि वो तो जजेस तो ओथ लेते हैं टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, अब मार्शल लॉ आ गया, एक नया मास्टर आ गया है,
तो मास्टर कहता है भाई मेरे से ओथ ऑफ एलिजेंस करो, तो दे ब्रिंग इन अ न्यू ओथ विच इज यूजली कॉल्ड अ पीसी ओथ, कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने जो पैदा किया कॉन्स्टिट्यूशन उसको। तो जो जजेस थे जिन्होंने 81 का भी ओथ लिया था, उन्होंने 2000 में ओथ नहीं लिया, सईदुज्जमान सिद्दीकी जो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, एंड हाफ द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू टेक दी ओथ इन क्या नाम है 2000। 2007 को आपको मालूम है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ जजेस रिफ्यूज टू टेक दी ओथ जब मुशर्रफ साहब ने सेकंड मार्शल लॉ लगाया। तो ओथ लिया भी है ओथ नहीं भी लिया, तो आपको एक पैराडॉक्स नज़र आता है, जिन्होंने 81 में लिया उन्होंने मिलिट्री रूल को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने 2000 में नहीं लिया, जिन्होंने 2000 में लिया इफ्तिखार चौधरी साहब ने, उन्होंने 2007 में नहीं लिया। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको नज़र आता है कि भाई ये क्यों हो रहा है। फिर देखिए ये नहीं हुआ है कि मिलिट्री रूल आता रहा है इस मुल्क में और जजेस सिंपली लिजिटमाइज करते रहे। जो पहले दो मार्शल लॉ लगे थे 58 में अयूब खान ने जो लगाया था और 1869 जो याया खान ने लगाया था, उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया था। एब्रोगेट का मतलब ये है कि ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना, अब हम देंगे अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन। 77 में इसको एब्रोगेट नहीं किया गया, इसलिए अभी तक 73 का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव करता है और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव नहीं करता और 56 का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव नहीं करता, उसको सस्पेंड किया गया। अब आप सवाल ये पूछेंगे भाई क्यों सस्पेंशन हुई, जिसे कहते हैं हेल्ड इन अबेयंस, इसलिए क्योंकि उस रिजीम को मालूम था कि जजेस एब्रोगेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो एक लिमिटेड रेजिस्टेंस थी वहाँ पे। फिर जिन जजेस ने 77 में ओथ ले लिया था और लेजिटिमाइज कर दिया था सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने 81 में ओथ नहीं लिया, दोराब पटेल और फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब वेरी ऑनरेबल जजेस जिन्होंने 81 में रिफ्यूज़ किया ओथ लेकिन 77 में ओथ ले लिया था। तो 77 और 81 के पीरियड में भी आपको नज़र आती है कि जजेस ने बहुत सारे मार्शल लॉ ऑर्डर्स के खिलाफ ऑर्डर्स पास किए, इवन दो ज़ियाउलग साहब के मार्शल लॉ को लेजिटमाइज कर दिया, इस हद तक कि मिलिट्री कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे और उसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 1979 में स्ट्राइक डाउन कर दिया था एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये भी कॉन्ट्रडिक्ट, ये आप समझ नहीं आता भाई, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ज़ियाउलग को और फिर उसी के खिलाफ बड़े मेजर ऑर्डर्स पास कर रहे हैं कि जिन जजेस के थ्रू ज़ियाउलग की रिजीम को लिजिटिमाइज किया था उन्हीं जजेस को फिर ओथ नहीं दिया 81 में। अनवारुल हक साहब जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे ज़ियाउलग की लिजिटिमाइजेशन में, चीफ जस्टिस जो थे और जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनली बनाया गया था चीफ जस्टिस 77 में, क्योंकि याकूब थे तो ज़ियाउलग ने अमेंडमेंट करके याकूब साहब को निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने भुट्टो साहब की पिटिशन को एडमिट कर लिया था चैलेंजिंग मार्शल, और अनवारुल हक को ओथ दे दिया था, उनको भी ओथ नहीं दिया। मौली मुश्ताक जिन्होंने भुट्टो की क्रिमिनल ट्रायल की थी और उसको सज़ा दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रायल हुई थी, उनको भी ओथ नहीं दिया 81 में। तो ये क्या हो रहा है, ये पैराडॉक्स, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। फिर हमें यही चीज़ नज़र आती है पोस्ट 1986, हलीम साहब, हलीम साहब चीफ जस्टिस थे 81 ऑनवर्ड्स। अब हलीम साहब जो थे वो जज थे जिन्होंने भुट्टो के केस में डिसेंट किया था, यानी ज़ियाउलग के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, देवर थ्री डिसेंटिंग जजेस, मेजॉरिटी ने कहा था कि ये सज़ा दुरुस्त है। हलीम साहब 81 से 86 तक लगता है कि सो गए, एग्जिस्ट ही नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद एकदम से आके बेनज़ीर भुट्टो के हक में फैसला दे देते हैं, बड़ा मेजर फैसला देते हैं जिसमें ज़ियाउलग साहब उनको अपने दफ्तर में बुला के डांटते भी हैं चीफ जस्टिस साहब। तो ये क्या हुआ, सो गए 5 साल तक फिर उठ गए, ये क्या हो रहा है, ये वो पैराडॉक्स है। इसी तरह पोस्ट 2000 भी आपको नज़र आता है द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, जिसे हामिद खान साहब यूसर्पर चीफ जस्टिस कहते हैं, इरशाद हसन खान साहब जिन्होंने मुशर्रफ का मार्शल लॉ लेजिटिमाइज किया,
उन्होंने ऐसी चीज कर दी, लेजिटिमाइजेशन करते वक्त ऐसी कदजन लगा दी जो इससे पहले कभी नहीं लगी थी। उन्होंने 3 साल की लिमिट कर दी, कभी नहीं जुडिशरी ने लिमिट की, जिसकी वजह से मुशर्रफ साहब को इलेक्शंस होल्ड करने पड़े 2002। ये क्या हो रहा था? एक जगह तो वो मान रहे थे, दूसरी जगह कदजन लगा रहे थे। अब मुशर्रफ साहब कहते हैं हमने गलती की कि वो 3 साल मान ली, हमें रिव्यू फाइल करना चाहिए। तो और आपको बाद में भी नज़र आता है कि 2007 के बाद नाउ यू हैव द लॉन्गेस्ट पीरियड इन पाकिस्तान्स हिस्ट्री, एंड द लॉयर्स मूवमेंट एंड द जुडिशल मूवमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जब आपके मुल्क में कोई डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लगा। इसको छोटी बात नहीं समझनी चाहिए। अभी कुछ मुल्क हैं दुनिया में जहाँ मार्शल लॉ है, इजिप्ट है, बर्मा है, थाईलैंड है, जो डेवलप्ड है, लेकिन हर 5-6 साल बाद वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन होती है। सो 15 साल से इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा है, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट द मिलिट्री रियलाइजेज दैट जजेस विल नॉट लेजिटिमाइज ए मार्शल लॉ ना। 99 में भी जब मार्शल लॉ लगा था तो एक्चुअली मार्शल लॉ नहीं लगा था, मिलिट्री रूल लगा था, इसलिए क्योंकि कोई मार्शल लॉ कोर्ट्स नहीं थे, कोई मार्शल लॉ कैबिनेट नहीं थी। रियल मार्शल लॉ होता है जब मार्शल लॉ कोर्ट्स होते हैं, क्योंकि ये मालूम था कि इस हद तक जजेस लेजिटिमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो आपको नज़र आता है कि एक हद तक जजेस गलत काम करने के लिए तैयार है, उसके बियॉन्ड नहीं। ये क्यों है? ये वो पैराडॉक्स है। और फिर आप देख सकते हैं पहली दफ़ा एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ट्रीजन ट्रायल होती है, उसको डेथ सेंटेंस होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिस तरह मेरा और आपके अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए या एक्सटेंड ना करें तो हम कोर्ट जाते हैं, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी एक्सटेंशन चैलेंज हो गया कोर्ट में। फिर आप सुनते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने मिलिट्री ऑफिशल्स को बुला लिया मिसिंग पर्सन्स के केस में, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के हवाले से सीरीज ऑफ ऑर्डर्स पास किए थे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, इफ्तिखार चौधरी साहब के कॉन्टेक्स्ट में। फिर जिस किस्म की क्रिटिक आजकल आप मिलिट्री के खिलाफ देखती हैं, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बिकॉज जब कोई केस उनके खिलाफ फाइल होता है जो इस किस्म की चीज़ करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको स्टे कर देता है या नलिफाई कर देता है। तो ये पैराडॉक्स भी आपको नज़र आता है, इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश है। अच्छा, अब टिपिकल पब्लिक नैरेटिव्स क्या हैं, लोग किस तरह ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं? लोग मान लेते हैं कि हाँ जी ये एक अजीबोगरीब बात है कि वो मान भी उनके साथ भी हैं जजेस मिलिट्री के और उनके साथ भी नहीं हैं, ये क्या चक्कर है? तो मेरे ख्याल में इसके हवाले से जो एक टिपिकल पब्लिक नैरेटिव्स हैं वो दो हैं जो आपको नज़र भी आती है मीडिया में। पहली तो ये है कि आपको सुनने में आता होगा एक मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, जो पहली दफ़ा जब डिसॉल्व हुई थी असेंबली, गुलाम मोहम्मद साहब ने डिसॉल्व की थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने लिजिटिमाइज़ किया था इन द मौलवी तमीज़ुद्दीन का। भाई आपको सुनने में आता है कि भाई सिंस मौलवी तमीज़ुद्दीन जजेज हैव ऑलवेज बीन इन कलूजन विद द मिलिट्री, ये तो पुराना सिलसिला है जी, इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है कहते हैं। और जब उनको बताया जाए भाई ये झगड़ा भी तो करते हैं जजेस, कभी ओथ नहीं लेते, कभी कहते नहीं हम इस हद तक आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप जो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बना सकते, मिलिट्री कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देते, तो कहते नहीं नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है, तो कुछ अच्छे लोग हैं जो ये करते हैं, बाकी सब जो हैं वो मिले हुए हैं। और जब उनको बताया जाए भाई ये तो लॉयर्स मूवमेंट चली थी मुशर्रफ साहब के खिलाफ, वो कहते नहीं नहीं ये तो आपको मालूम नहीं है, ये तो मुशर्रफ और कियानी में झगड़ा हो गया था और कियानी इफ्तिखार चौधरी से मिल गए थे और उन्होंने रिस्टोर करवाया। तो एक उधर भी एक मिलिट्री जुडिशल कंस्पिरेसी बताई जाती है। एक दूसरी एक्सप्लेनेशन जजेस देते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 देखिए हमने बहुत गलतियां की हैं पास्ट में, लेकिन 2007 के बाद हम बिल्कुल चेंज हो गए। इसे कहा जाता है, इसे जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब थे 2014 तक,
वो कहते थे कि एक रप्चर हुआ है 2007 में। 2007 से पहले दुनिया अलग थी, 2007 के बाद जुडिशरी मिलिट्री रिलेशनशिप अलग है, और ठीक है अभी मसाइल हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम ये जो मिलिट्री मोनोपोलाइजेशन एंड डोमिनेशन है ये ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इस पे जैसे फरहान ने सही कहा, देर इज़ वेरी लिटिल एकेडेमिक वर्क विच हैज़ बीन डन, एंड सरप्राइजिंगली पाकिस्तान के ऊपर जो लिखा गया है और इतना इम्पोर्टेंट रोल रहा है जुडिशरी का इन टर्म्स ऑफ आर पोलिटिकल हिस्ट्री, इट्स सरप्राइजिंग दैट पीपल हु हैव रिटन द पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री हैव एक्चुअली नॉट एक्सप्लोर्ड दिस रिलेशनशिप। मैं आपको तीन एग्जाम्पल देता हूँ। बड़ी अच्छी किताब है आकिल शाह साहब की, द आर्मी एंड डेमोक्रेसी। यू वुड हैव इमेजिंड दैट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ द आर्मी हैज़ यू नो फर्मली इंट्रिंच्ड इटसेल्फ इन पाकिस्तान, स्पेशली मिलिट्री रूल्स, उनको एक्सप्लेन करना होगा दिस रिलेशनशिप, बट यू विल हार्डली फाइंड एनी मेंशन ऑफ द रोल ऑफ द जुडिशरी इन हिज बुक। एक और किताब है, उसमें बहुत पढ़ी जा रही है आजकल, क्रिस्टोफर जेफरलॉट की, द पाकिस्तान पैराडॉक्स। उस किताब में एक चैप्टर तो है जुडिशरी के बारे में, बट आप पढ़िएगा ज़रूर ताकि आपको समझ में आए कि किस किस्म की किताब इंसान को नहीं लिखनी चाहिए। तो जिस शख्स को ये नहीं मालूम हो कि मैजिस्ट्रेट और जजेज में फ़र्क होता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मेरे ख्याल में उसको पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में चैप्टर नहीं लिखना चाहिए। फिर आपको वकीलों की किताबें मिलेंगी, कुछ कम लिखते हैं क्योंकि पैसे कमाने में काफ़ी बिजी होते हैं, तो जो मिलते हैं उसमें वो बस ये कहते हैं, अरे आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें और ये केस देखें और ये, बस ये बड़ा सिंपल है। तो वो अपनी कानूनी बातों में ही रहते हैं, वो समझते हैं कि सारे पावर स्ट्रक्चर्स के झगड़े जो हैं वो कानूनी किताबों में ही हल होते हैं। ठीक है ना, देर इज़ एन ओवर एम्फेसिस ऑन ऑन दी लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंटली ये हुआ है कि तीन चार बड़ी अच्छी किताबें आई हैं इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए। हामिद खान साहब की किताब है हिस्ट्री ऑफ द जुडिशरी इन पाकिस्तान। जब मैं ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन पे आऊँगा तो आप देखिएगा किस तरह मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो मुख्तलिफ है इससे। हामिद खान साहब की पूरी किताब इस जुडिशल कलूजन और कॉपरेशन को एक्सप्लेन करती है थ्रू वेरियस चीफ जस्टिस। वो कहते हैं ये यूसर्पर था, ये करप्ट था, ये कमज़ोर था, ये कन्फ्यूज था, ये तो पता नहीं क्या था। ठीक है, तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी इन सोशल साइंटिफिक एनालिसिस कॉल्ड एन एजेंसी एनालिसिस, वेर यू एक्सप्लेन हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स के पास फ्री विल होती है और वो चाहें तो बहुत अच्छा काम कर दें और चाहें तो बहुत बुरा काम कर दें। ऑफकोर्स वो लोकेट करते हैं उसको पोलिटिकल हिस्ट्री में, बट इट्स रियली हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी थ्रू गुड एंड बैड चीफ जस्टिसेस यू हैड। फिर वसीम साहब की बड़ी अच्छी किताब है, ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए, बहुत लंबी है। मैंने उनसे कहा कि ये मतलब वो इतनी लंबी किताब है कि मुझे नहीं नज़र आता कि लोग किस तरह पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। वो कहते हैं ना, गालिब खाक हो जाएंगे हम तेरे जुल्फ के सर होने तक, तो वो इस किताब को पढ़ के आपको वो मिसरा याद होता है। बहुत अच्छी किताब इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये तो बात की है कि ये दोनों मिलके, इन्होंने वो बड़ी अच्छी टर्म यूज़ करते हैं, उन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी बनाई है जुडिशरी और मिलिट्री में। लेकिन वो ये डिनाई नहीं करते कि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली भी एक्ट करती है, लेकिन वो जब भी एक्ट करती है, उनका ये कहना है वो जब भी एक्ट करती है तो वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करती, वो अपना पावर इंक्रीज करने की कोशिश करती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भी जब बात करती है तो कहती है हमारी इंटरप्रिटेशन, ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे, ये हामिद खान साहब का। तो वो पार्लियामेंट के रोल को कम करती है, वो जो पॉलिटिकल क्लास है उसके एक्सपेंस पे पावर ग्रैब करती है, वसीम साहब की किताब। एक चौथी किताब है, एक ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर है मुइन चीमा साहब, कोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि भाई ये जो सिलसिला है
जिसे वो कहते हैं कि जुडिशरी एक कलूजन और कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ये प्री पार्टीशन से चलता हुआ आ रहा है। अगर आप प्री पार्टीशन के कोर्ट्स देखेंगे तो वो भी यही करते थे, वो इंसाफ भी देते थे और कलूट भी करते थे स्टेट के साथ। और वो ज़रा सा और बेहतर हो गया है, बट वो उसको एक्सप्लेन इसी तरह कहते हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ ए पोस्ट कलोनियल स्टेट, कि वही पैटर्न्स कंटिन्यू कर। चौथी किताब अभी रिसेंटली आई है यासिर कुरैशी साहब की, सीकिंग सुप्रीमेसी। ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जजेस और मिलिट्री का, ये इसलिए है क्योंकि जजेस की अब ऑडियंस चेंज हो गई है। अब जजेस ये नहीं देखते कि फौजी क्या सोचेंगे, अब वो ये देखते हैं कि मीडिया क्या में क्या होगा, मिडिल क्लास क्या सोचेगी, वो देखते हैं वकील क्या सोचेंगे। ये नए पावर स्ट्रक्चर्स इमर्ज कर दिए, इसलिए अब इस ऑडियंस की वजह से, और जो ऑडियंस उनको एक तरीके से उनका पावर भी इंक्रीज करता है, उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट उनका मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ भर रहा है। ये तमाम किताबें बहुत इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स देती हैं, बट मेरा ये ख्याल है कि ये इस मसले को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और मैं एक ऑल्टरनेटिव आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसकी। मैंने दो कोट्स दी हैं, वो बड़ी मेरी फेवरेट कोट्स हैं। पहली कोट है कार्ल मार्क्स के 18 ब्लूमेर से, एक फाउंडेशनल कोट है, किसी को भी अगर हिस्ट्री समझनी है तो उसको ये समझनी ज़रूरी। मैन मेक देयर ओन हिस्ट्री बट नॉट ऑफ देयर ओन फ्री विल, नॉट अंडर द सर्कमस्टेंसेज दे देमसेल्व्स हैव चोजन। तो मार्क्स की पूरी थ्योरी ये है, अभी आप भूल जाएं कॉम्युनिज्म मार्क्सिज्म, बट उसकी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री ये है कि आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स या जो अभी हो रहा है उसको इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, ये चाहे तो अच्छा काम कर दे चाहे तो बुरा काम कर दे। लोगों की बड़ी लिमिटेड फ्री विल होती है। असल में वो जिस सर्कमस्टेंसेज में एग्जिस्ट करते हैं और जो हिस्ट्री ने उनके ऊपर बर्डन एक तरीके से इम्पोज किया होता है, जो चीज़ें हो चुकी होती हैं जिसे वो चेंज नहीं कर सकते, और जिस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो डिटरमिन करता है। जैसे आप इसका सिंपल एग्जांपल ले लें कि कोई भी बैंकर बन जाए, मैं बन जाऊं आप बन जाएं, मैं बहुत रिलीजियस हूं मैं या कोई नॉन रिलीजियस हूं, जब मैं बैंकर बन जाऊंगा तो स्ट्रक्चर का एक रोल डिफाइंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा क्या बैकग्राउंड है, मेरी एक लिमिटेड फ्री विल होगी। तो मार्क्स ये कहता है कि अगर आपको एक्सप्लेन करनी है हिस्ट्री के लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो आप उनके सर्कमस्टेंसेस देखें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, हिस्ट्री देखें, और आप जिन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो देखें, जिस इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट करते हैं, ये नॉन एजेंसी चीज़ें उनके फैसले करती हैं। जो दूसरी कोट है ये एक और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है ई पी थॉम्सन, दी एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ इन इट्स फंक्शन एज एन आइडियोलॉजी इज दैट इट शेल डिस्प्ले एन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रॉस मैनिपुलेशन। ई पी थॉम्सन का बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, ऑल्दो वो एक क्लास कैपिटल क्लास पे है, कि भाई ये वो इस सवाल का जवाब देते हैं अपनी किताब में कि ये कानून हमेशा अमीरों का साथ क्यों देता है और अमीरों का क्यों नहीं कुछ बिगाड़ सकता लेकिन गरीबों को भी रिलीफ देता है, ये बड़ी अजीब बात है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन से गंदे काम करवाने हैं तो ज़रूरी है कि आप उसको इतनी इंडिपेंडेंस दे कि वो कुछ अच्छे काम भी कर सके, क्योंकि अगर वो सिर्फ गंदे काम करेगा तो आप उससे फिर वो गंदे काम नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आप लोगों को कंफ्यूज कर दें कि वो अच्छा भी है और बुरा भी है तो फिर आप उससे गंदे काम भी करवा सकते हैं। ये है बेसिकली ई पी थॉम्सन की थ्योरी। ई पी थॉम्सन अपनी कब्र में जो है वो लरज रहे होंगे ये सुन के फैसल ने उनकी थ्योरी के साथ क्या कर दिया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप इस पैराडॉक्स के बारे में अगर सोचना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग से चार प्रिजम्पशंस, पांच प्रिजम्पशंस निकाल दें, जो मेरे ख्याल में एक रुकावट है इस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में सोचने में।
और जैसे टॉम क्लैंसी ने कहा था कि प्रिजम्पशंस आर द मदर ऑफ ऑल फकअप्स, तो मेरे ख्याल में जो हम नहीं समझ पा रहे हैं आर एनालिटिकल फकअप्स, वो ये है कि हमारी ये पांच प्रिजम्पशंस हैं। पहली प्रिजम्पशन ये है कि जिसे मैं कहता हूँ रिडक्शनिस्ट सिंगल कॉज एक्सप्लेनेशन और डोमिनेंट कॉज एक्सप्लेनेशन। ये ना सोचें कि ये जो पैराडॉक्स है ये कोई एक कॉज एक्सप्लेन कर देगा कि ये जज बुरा है या देखो यार हालात ऐसे थे, या कोई एक कॉज है जो डोमिनेट करता है, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। यू हैव टू हैव अ मल्टी कॉज फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, और उन वेरियस कॉजेज की रिलेशनशिप को आपको समझना। जो दूसरी प्रिजम्पशन है वो ये है कि इंसान नहीं आज़ाद होते, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं ख़ासतौर पर पावर स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो कितने भी पावरफुल हो, वो DGISI भी हो, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस, वो उनके पास मुकम्मल आज़ादी नहीं होती। वो इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो आए होते हैं, वो उसको कम्प्लीटली नहीं बदल सकते। जो उन्होंने हिस्ट्री इनहेरिट की होती है उसको वो कम्प्लीटली नहीं बदल सकते। जो वाकयात हो जाते हैं उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, उनकी एक लिमिटेड फ्री विल होती है। तो अगर आप हर चीज़ इंसानों से समझाने की कोशिश करेंगे ये बुरा है ये अच्छा है इसको ये करना चाहिए, तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जुडिशियल हिस्ट्री के बारे में हमारी, कि पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री ने इंतहाई अच्छे लोगों ने इंतहाई बुरे काम किए और इंतहाई बुरे लोगों ने इंतहाई अच्छे काम किए, इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। जो अच्छे लोग थे वो इतनी बुरी पीरियड में एग्जिस्ट करते थे कि वो अच्छा काम कर ही नहीं सकते थे, और जो बुरे लोग थे इंतहाई वो इतनी प्रोग्रेसिव पीरियड में एग्जिस्ट करते थे कि वो अगर चाहते भी बुरा काम करना तो नहीं कर सकते थे। तो डिसेंटर एजेंसी एज अ कॉजल एनालिसिस। नंबर थ्री, वकीलों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना, जो आप हर चीज़ समझाते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और जज ये कह रहा है, इस तरह चीज़ें नहीं समझ में आती। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट को ये, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं। कलूजन, हम समझते हैं कि कलूजन जो है वो इंतहाई बुरी चीज़ है। देखिए कलूजन बुरी चीज़ है अगर एंड बुरा हो, अगर कलूजन से एंड अच्छा हो तो मेरी नज़र में वो बुरी चीज़ नहीं है, यही हमें वर्ल्ड हिस्ट्री बताती। तो कलूजन को एक बुरी चीज़ ना समझे हमेशा। पांचवी चीज़, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो वॉल्ट विटमन ने कही थी, जो फेमस अमेरिकन पोइट था, उसने कहा था डू आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ सो आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ। इसमें मसला क्या है, ठीक है, लाइफ इज़ अबाउट कॉन्ट्रडिक्शंस, और कॉन्ट्रडिक्शंस हमारी जिंदगियों में जिस तरह हल नहीं हो सकते, हम भी ताज़ादात के साथ रहते हैं, माँ बाप से मोहब्बत भी करते हैं और माँ बाप हमारे ऊपर जुल्म भी बहुत करते हैं और करते रहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह इंसान तजादात के साथ रहता है, इस तरह हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स भी तजादात के साथ होती रहती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जुडिशरी और मिलिट्री का, ये इन दोनों पैराडॉक्स इस पैराडॉक्स से निकल सकता है। इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होते हुए भी नज़र आएगा और आपको कलूजन भी नज़र आएगी। सम टाइम वो कलूजन अच्छी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कलूजन बुरी होती है। तो मेरा जो नेक्स्ट पेज, मेरा जो पहला प्रेमिस है वो ये है कि मेरे ख्याल में ये जो सारी किताबों का मैंने ज़िक्र किया इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिंगल कॉज या डोमिनेंट कॉज एक्सप्लेनेशंस देते। मेरा नहीं ख्याल कोई एक एक्सप्लेनेटरी टूल एक्सप्लेन कर सकता है इस पैराडॉक्स को। तो एक मल्टी कॉजल फ्रेमवर्क आपको लेना पड़ेगा। पहला एक्सप्लेनेटरी टूल क्या है, वो है स्ट्रक्चरल स्लैश इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉपरेशन कलूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। जुडिशरी बोथ एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो एज एन इंस्ट्रूमेंट टू होल्ड द स्टेट अकाउंटेबल एंड ऑल्सो बोथ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेटस को एंड चेंज। असल में ये जो जजेस और जुडिशरी होती है ना,
ये एक ड्यूल रोल में फंस गए। ये स्टेट का पार्ट भी है, जिस तरह आर्मी स्टेट का पार्ट है, जिस तरह और स्टेट के डिपार्टमेंट, ये स्टेट का पार्ट भी है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं स्टेट के साथ, यानी इनके जो बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके भाई और बहनें आइडेंटिफाई करते। बट इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी डाल दी गई है, वो ये जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल होल्ड करें। अब वो इस तजाद में फंसे हुए हैं, यानी जिस तरह आपसे कहा जाए आपका जो भाई है उसका अकाउंट, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपको करनी है, तो फिर आपको मालूम है वो किस किस्म की पाकिस्तानी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ठीक है, कुछ ले और कुछ दे की अकाउंटेबिलिटी। तो इस तजाद में स्ट्रक्चरली फंसे हुए, ये किसी चीफ जस्टिस का कसूर नहीं है, आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें जुडिशरी कभी ये सोचती है नहीं, देखिए हमें जो है स्टेट को सपोर्ट करना है क्योंकि वो स्टेट का पार्ट है, फिर एट द सेम टाइम वो ये सोचती है नहीं, स्टेट तो बहुत बुरा काम कर रहा है, इसको अकाउंटेबल भी करना है। इस तजाद की वजह से एक जगह कॉपरेशन और कोलूजन होता है और एक जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा, इसलिए जो जुडिशरी है आपकी वो एक स्टेटस को इंस्टीट्यूशन भी है और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज भी है, यानी उसको स्टेट को स्ट्रेंथन भी करना है लेकिन उसको स्टेट को इन अ सेंस इम्प्रूव भी करना है। तो वो इस तजाद में भी फंसी हुई है कि उसको स्टेट को सपोर्ट भी करना है, जब कोई इलीगल टैक्स लग जाता है और जुडिशरी के पास आता है तो एक रिएक्शन ये होता है कि वो एग्जेक्टिव माइंडेड हो जाते हैं, नहीं, स्टेट को पैसे की ज़रूरत है, चलो गलत लगा दिया कोई बात नहीं यार, पैसा तो स्टेट को जा रहा है। दूसरी जगह वो कहते हैं भाई ये किस तरह कर सकते हैं हम कि गलत लोगों के ऊपर टैक्स लगा दें और उनकी बिजनेसेस और जिंदगियां तबाह कर दें। इस तजाद में फंसा हुआ है क्योंकि उसी पैसे से उनकी भी तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो पहला एक्सप्लेनेटरी टूल ये आपको समझना है कि ये स्ट्रक्चरली इनबिल्ट है ये पैराडॉक्स। एक्सप्लेनेशन नंबर टू, पोस्ट कलोनियल स्टेट, ये बात मुइन चीमा साहब करते हैं। देखिए आप फंसे में दो किस्म के कॉन्सेप्ट में, एक होता है रूल ऑफ लॉ कि हर चीज़ कानून के मुताबिक हो और हर किसी को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, लेकिन एक होता है रूल बाय लॉ जो अंग्रेज लाए थे कि आप हर किसी को अकाउंटेबल कर सकते हैं सिवाय रूलर्स को। ये 47 से पहले था, जो 1935 का एक्ट था आपका जो अंग्रेज लाए थे, उनके ज़माने में बहुत इंडिपेंडेंट कोर्ट थे लेकिन वो कलोनियल कोर्ट्स थे, इंडिपेंडेंट भी थे लेकिन कलोनियल थे। बॉम्बे हाई कोर्ट की आप हिस्ट्री पढ़ें, 47 से पहले एक इंग्लिश चीफ जस्टिस था, उन्होंने उसने बॉम्बे हाई कोर्ट बंद कर दिया था जब उसका झगड़ा हुआ वाइस रॉय से, ही क्लोज डाउन द कोर्ट्स बिकॉज वाइस रॉय उससे कुछ काम करवाने की कोशिश कर, ही रिफ्यूज टू डू दैट। देवर इंडिपेंडेंट जजेस बट देवर कलोनियल माइंडेड जजेस, क्योंकि वो ये बिलीव करते थे हाँ बाकी सब पे सबको रूल्स के मुताबिक काम करना चाहिए लेकिन ये जो हुक्मरान हैं ये इनके पास डिस्क्रेशन है, इसे कहते हैं रूल बाय लॉ नॉट रूल ऑफ लॉ। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे हमेशा परेशान करती है कि ये मिलिट्री वालों को क्या मसला है कि ये इनको जजेस से अपना रूल लेजिटिमाइज करने की क्या ज़रूरत है भाई, कोई रेफरेंडम कर लें, जजेस की क्या ज़रूरत है, मौलवियों को बुला लें, ठीक है ना, अमेरिका को बुला लें, जजेस से क्या लेजिटिमाइज करने, सारी दुनिया में ये नहीं होता कि जजेस से मिलिट्री रूल लेजिटिमाइज किया जाता। इसकी रीज़न ये है कि आपकी जो मिलिट्री है ना वो शुरू से एक नॉन रेवोल्यूशनरी में, वो इजिप्शियन मिलिट्री की तरह नहीं है जिस तरह नासिर की मिलिट्री थी, वो एक रेवोल्यूशनरी, वो पूरा सिस्टम बदलने आए, ये अपने जो करंट सिस्टम है उसको प्रिजर्व करने आते हैं ताकि इनका पावर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इट्स अ नॉन रेवोल्यूशनरी जुडिशरी एंड इट्स अ नॉन रेवोल्यूशनरी मिलिट्री एंड इट इज़ ए मिलिट्री विच हैज़ बीन ट्रेन्ड इन द रूल बाय लॉ बाय द ब्रिटिश। इनके आप देखिएगा अपने पूरा इंस्टीट्यूशन बड़ा स्ट्रिक्टली रूल बाय लॉ से चलता है, रूल ऑफ लॉ से नहीं, रूल बाय लॉ से। तो इनको एक किस्म की आदत पड़ी हुई है, एक सोशलाइज्ड हुए हैं कि हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए लेकिन हमसे कोई ना पूछे, लेकिन कानून के मुताबिक।
इसलिए इनको एक एडिक्शन है जुडिशियल लेजिटिमाइजेशंस, ये एक्सप्लेनेटरी टूल नंबर टू है. नंबर थ्री, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, द इनएविटेबल बर्डन ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. देखिए ये जो लोग बातें करते हैं कि ये जुडिशरी वही कर रही है जो मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में हुआ था, ये समझते हैं कि हिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं आते. मैक्स वेबर जो बहुत मशहूर जर्मन सोशल साइंटिस्ट था, वो ये कहता था, हिस्ट्री इज़ नॉट अ कैब विच यू कैन स्टॉप एट योर ओन कन्वीनियंस. जब बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं तो उसका मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सकता, उसकी जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. 71 में ये मुल्क टूट गया, बेसिकली बिकॉज ऑफ द मिलिट्री, बिकॉज ऑफ मार्शल लॉज. तो जब 77 में उन्होंने मिलिट्री मार्शल लॉ लगाया तो उनको मालूम था, और ये बड़ा सोच के और उनको एडवाइस दिया गया कि अगर आपने इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया तो हो सकता है कभी इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ना. तो उन्होंने सोचा हमारा फ़ायदा इसमें ही है, क्योंकि मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, आधा तोड़ कर तो किसी तरह बच गए थे. तो ये जब इस किस्म के इवेंट्स हो जाते हैं तो ये आप नहीं कर सकते कि आप कहें नहीं नहीं हम वही करेंगे जो 1950s में करते थे. अब आप ये सोचिए कि जो जज है दोराब पटेल साहब, वेरी अपराइट, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने 77 में ज़ियाउलहक़ से ओथ लिया था. फखरुद्दीन जी इब्राहिम, उन्होंने 77 में ज़ियाउलहक़ से ओथ लिया था, 81 में नहीं लिया. सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो चीफ जस्टिस थे 2000 में, उन्होंने ज़ियाउलहक़ से ओथ लिया था 81 में. 2000 हुआ ये कि दुनिया जब बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें, जब इतनी गालियां पड़ी ओवर 20 इयर्स के आपने क्यों लेजिटिमाइज किया, तो वही जजेस पे नहीं वो काम कर सकते जो पहले कर चुके थे. इसे कहते हैं द बर्डन ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, फिर चौथा एक्सप्लेनेटरी टूल ये कि भाई दुनिया बदल गई है. देखिए जिस ज़माने में अयूब खान और याया खान थे, वो ज़माने थे जहाँ हर दूसरे दिन कू हो जाता था. 49 से लेकर 1970 तक 225 सक्सेसफुल कूज हुए थे. अब दुनिया बदल गई. 99 में दुनिया अलग थी, 2007 में दुनिया अलग थी. 99 में जब मुशर्रफ साहब ने कू किया तो कोई 4-5 मुल्क थे जहाँ मिलिट्री रूल था, उनको मालूम था कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं कहा. उन्होंने कहा मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, बेवकूफ़ बनाने के लिए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने मार्शल लॉ कोर्ट्स इसलिए नहीं बनाए. तो जब दुनिया बदलती है तो पाकिस्तान को भी बदलना होता है, बेशक वही जुल्म दोबारा करना हो, बट रूलिंग क्लासेस हैव टू चेंज इन ऑर्डर टू रिमेन द सेम. ये प्रिंसिपल. पांचवा एक्सप्लेनेटरी टूल ये है कि देखिए वो जो ज़माने थे ना 50s, 60s, 70s थे, उस वक्त तक आप इस किस्म की बातें कर सकते थे दुनिया में, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ यू नो रेवोल्यूशनरी डिक्टेटरशिप. ये 80s और 90s और 2000 की दुनिया में ये कोई बात एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेशली एक ग्लोबलाइज दुनिया में जहाँ यही जजेस बाहर कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, बाकी जजेस से इंटरेक्ट करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं. तो आप वो चीज़ें दोबारा नहीं कर सकते जो आप पहले करते में आए, क्योंकि इंटेलेक्चुअली दुनिया बदल गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने असमा जलानी केस में याया खान का मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था 72 में एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अब वो ऑन द बेसिस के जो अयूब खान का मार्शल लॉ हमने लेजिटिमाइज किया था 200 केस में, वो गलत था. तो 77 में उनको अपना माइंड बदलना पड़ा, उनको कहना पड़ा हम एब्रोगेट तो नहीं कर सकते इसको, लेजिटिमाइज आप सस्पेंड कर दें फिर देखा जा सकता. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि इंटेलेक्चुअली भी दुनिया जब बदल जाती है तो आप वो काम नहीं कर सकते जो आप पहले करते हुए. तो ये सब फजूल बातें, ये कहना कि वही चीज़ें हो रही हैं जो पहले हो रही थी. नंबर सिक्स एक्सप्लेनेटरी टूल,
जजेस एज रिफ्लेक्टिव स्ट्रेटिजिक एक्टर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जहाँ पे यही मसला रहा है मिलिट्री इंटरवेंशंस का, वहाँ पे लोगों ने काम किया है और उन्होंने कहा है कि आपको जजेस को एज स्ट्रेटिजिक एक्टर्स देखना होगा। देखिए, हम सब स्ट्रेटिजिक एक्टर्स हैं, हम सब प्लान करते हैं, हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो हमें ये करना होगा, कभी हम झगड़ा करते हैं, कभी हम कलूट करते हैं, कभी हम कोऑपरेट करते हैं। तो पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जजेस तीन किस्म के काम करते हैं, स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन स्लैश साइलेंस, स्ट्रेटिजिक डिफाइंस एंड स्ट्रेटिजिक डिफेक्शन। तो आप जस्टिस हलीम साहब की एग्जांपल लें, जिन्होंने 81 में ओथ ले लिया और वो चीफ जस्टिस बन गए, और उनको ज़ियाउलहक साहब ने बहुत जलील किया एज अ चीफ जस्टिस, क्योंकि कुछ साल तक उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस रखा इसी वजह से ताकि जिस वक्त चाहे अपने चपरासी की तरह निकाल दें, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। लेकिन वही जस्टिस हलीम साहब, जब जुनेजो साहब की गवर्नमेंट आती है, ज़ियाउलहक साहब पावर में, लेकिन 86 के बाद और ख़ास तौर पे 88 में एक बहुत डैमिंग जजमेंट देते हैं, ज़ियाउलहक साहब जिंदा थे उस वक्त, बेनज़ीर भुट्टो के केस में वो एकदम से जाग जाते हैं। स्ट्रेटिजिक एक्टर्स, वो सो गए जब वो समझते थे कि कुछ मैं नहीं कर सकता। जब एक सिविलियन गवर्नमेंट आई, कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव हुआ 86 में, उन्होंने कहा अब मुझे एक्ट करना। नसीम हसन शाह साहब जो डिसाइडिंग वोट थे इन द जुडिशियल मर्डर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, 93 में उन्होंने नवाज शरीफ की असेंबली को रिस्टोर कर दिया। तो स्ट्रेटिजिक एक्टर्स होते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी डिफाई करते हैं और कभी डिफेक्ट करते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब चुप हो गए 2000 में जब मुशर्रफ का माशाल्लाह लगा, फिर जब वो इंतज़ार कर रहे थे जब मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, फिर आपको नज़र आता है 2005 के बाद जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे रिजीम से टक्कर लेने रहे थे, छोटी बातों पे, काइट फ्लाइंग पे, सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन चल रही, पतंग उड़ाने पे, ठीक है ना, फिर एकदम से वो प्राइवेटाइजेशन जो है स्टील मिल का स्ट्राइक डाउन कर देते, और फिर 2007 में मेजर कॉन्फ्रंटेशन होती। तो ये जजेस यही करते हैं, चुप रहते हैं, फिर डिफाई करना शुरू होते हैं, और जब वो मौका देखते हैं तो डिफेक्ट करते हैं। ये सारी दुनिया में देखा गया। और लास्ट है मेरे ख्याल में, अगर आपको समझना है ख़ासतौर पर कि 2007 के बाद क्या हो रहा है, देखिए, एक ये आपके यहीं पे प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत कमाल की एक किताब लिखी है, क्या है, द बैटल ऑफ हेजमनी, नहीं, द बैटल ऑफ हेजमनी इन पाकिस्तान, आसिम सज्जाद, हाँ, द स्ट्रगल फॉर हेजमनी इन पाकिस्तान, बहुत अच्छी किताब है, एंड अनलाइक वसीम साहब की बहुत छोटी किताब है, जिसमें हम बहुत ग्रेटफुल हैं उनके। तो उन्होंने ये कहा है कि एक कमाल का फिनोमेना हुआ है, स्पेशली ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम, देर इज़ व्हाट ही कॉल्स एन एस्पायरिंग मिडिल क्लास। एस्पायरिंग मिडिल क्लास एक मिडिल क्लास से मुख्तलिफ है, मिडिल क्लास की टर्म एक इकोनॉमिक टर्म है। तो एस्पायरिंग मिडिल क्लास का वो ये कहते हैं, अब ये जो एक किस्म की डिजिटलाइजेशन हुई है सियासत की और हमारी जिंदगियों की, कि ये जो फ़ोन है ये कोई फ़ोन नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी को इसने हमारे कैप्चर कर लिया, इंटरनेट, फ़ोन, मीडिया, सोशल मीडिया। इससे ये हुआ है कि जो लोग मिडिल क्लास का इकोनॉमिकली पार्ट भी नहीं है, वो एस्पायर करते हैं कि वो मिडिल क्लास का पार्ट बने। तो एक मिडिल क्लास है इकोनॉमिकली, जिनके पास वो इकोनॉमिक पैसे हैं कि उन्हें मिडिल क्लास कहा जा सकता है, और एक है एस्पायरिंग मिडिल क्लास, कि हर कोई चाहता है कि वो मिडिल क्लास का पार्ट बन जाए। मतलब उसके पास खाने को पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो पहले जाके फ़ोन ख़रीदेगा और ख़रीदेगी, कुछ भी कर लेंगे, फ़ोन आ जाए, बेशक घर में बिजली ना हो, इंटरनेट कनेक्शन आ जाए। तो ये मजाक की बात नहीं है, ये एक पूरी दुनिया बदल रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है डिजिटलाइजेशन की, ये जिस तरह हम अपने बारे में सोचते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, ये तब्दील हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जुडिशरी का इसके ऊपर अफेक्ट ना हो? देखिए, एस्पायरिंग मिडिल क्लास की इम्पोर्टेंस ये है कि आपकी जो अब जुडिशरी है ना,
वो कंप्लीटली इंडिजिनाइज हो गई है, उसमें बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, बहुत माइनॉरिटी में लोग हैं जो बाहर से पढ़े में हैं। पहले बैरिस्टर्स थे जो डोमिनेट करते थे, फॉरेन क्वालिफाइड डोमिनेट करते थे। अब जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं जो इक्वली क्वालिफाइड हैं वो डोमिनेट करते हैं, और वो सब एक मिडिल क्लास का पार्ट हैं। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं मिडिल क्लास वैल्यूज से, जो एक एस्पायरिंग मिडिल क्लास राइज कर रही है मुशर्रफ के वक्त के बाद, और वो अवॉइड नहीं कर सकते कि उनके इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी किस तरीके से कॉलोनाइज हो गई है डिजिटलाइजेशन से। ठीक है ना, हर रोज़ जो है हसनात साहब उनके बारे में ब्लॉग लिख देते हैं, जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, अब वो इग्नोर तो नहीं कर सकते ये बात। ठीक है ना, तो ये कभी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इस लेवल का डिस्कशन, इस लेवल की इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंटरनल वर्किंग्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, मैं तो कहूँगा ऑन एन आर टू आर बेसिस, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। आप कैसे सोच सकते हैं कि ये जजेस तब्दील नहीं होंगे इसकी वजह से? वो एक काम करते हैं, उन कहते हैं ये तो मिला हुआ है मिलिट्री से, दूसरा काम करते कहते हैं वाह 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 कमाल हो गया जी। ये क्यों? ये इसे कहा जाता है द मीडियाटाइजेशन ऑफ द जुडिशरी। तो ये एक सातवां टूल है। 5 मिनट और ले लूँ? हाँ। अब जो छठा वो है, ये मैंने वेरियस पीरियड्स को इन एक्सप्लेनेटरी टूल से समझाने की कोशिश की है। नहीं, जो एक मेरा ऑल्टरनेटिव थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये मैंने पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री पे अप्लाई किया। मैं बहुत जल्दी से, क्योंकि वक्त हो गया है, मैं एक 47 से 1971 का पीरियड लेता हूँ, जिसमें आपको कोई रियली मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता। और उसकी रीज़न ये है कि जो जजेस हैं, और वो मुनीर और कॉलिनियस, ये समझा जाता है ये ऑपोजिट्स थे, लेकिन कॉलिनियस साहब उतने ही लॉयल थे मिलिट्री रूल के जितने मुनीर थे। कॉलिनियस साहब सर्व्ड, बड़ा उनको हीरो समझा जाता है, ही सर्व्ड एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस अंडर अ मिलिट्री रूल। देन जब वो रिटायर हो गए तो वो याया खान के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र लग गए, क्योंकि ये लोग, ये जो जजेस थे 71 से पहले, इनका एक कलोनियल माइंड, ये बड़े इंडिपेंडेंट जजेस थे, अच्छे लोग थे, इंटेग्रिटी वाले लोग थे, लेकिन इनका माइंडसेट कलोनियल था। ठीक है ना, वो आपने एलीट्स को देखा है ना, जो कहते हैं ये गरीब लोग ठीक नहीं होते, सब चोर होते हैं, वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं ये बात। ये एक कलोनियल माइंडसेट है, या अंग्रेज सोचता था ये काले जो है ये बड़े इनकॉम्पिटेंट हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आए लेकिन हैं इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, ये एक कलोनियल इलीटिस माइंडसेट। फिर एक पीरियड आता है 71 से 81 तक, जब आपको ये कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, कि इसलिए क्योंकि 73 में सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन मिलता। पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको एक ब्यूरोक्रेसी ने दिया 56 में, एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको अयूब खान ने, ये पहला। इसके बाद जजेस ने एक्चुअली ये सोचा कि हमारे हमारे पास भी कोई राइट्स हैं, हमारे पास भी कोई पावर्स हैं, कि हम एक्चुअली रूलर्स को चैलेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, इवन आफ्टर 77 जब उन्होंने ज़ियाउलक का मार्शल लॉ लिजिटिमाइज कर दिया था, वो जब भी ज़ियाउलक के ख़िलाफ़ ऑर्डर्स पास करते रहे। फिर 81 में ज़ियाउलक साहब को दोबारा उनको याद दिलाना पड़ा, बहुत सारे जजेस को बाहर फेंकना पड़ा, हलीम साहब को कहा तुम्हें मैं कन्फर्म नहीं करूँगा एज चीफ जस्टिस, जब जाके उनको बात समझ में आई और 5 साल तक चुप रहे। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट वहां से शुरू होता है, क्योंकि देखिए पहली दफा जब ये किसी मिलिट्री रूलर को करना पड़ा कि उसने जजेस से कहा ओथ ले, वो पहली दफा होता है 77 में, उससे पहले कभी नहीं हुआ, जबकि दो मार्शल लॉ आ चुके थे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जजेस जो है वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। ना अयूब खान के मार्शल लॉ के खिलाफ कोई पिटिशन फाइल हुई चैलेंजिंग इट, 200 केस में तो वो सवाल ही नहीं था जिसमें उन्होंने लेजिटिमाइज किया, उन्होंने खुद ही उठा लिया मुनीर साहब ने, एक क्रिमिनल अपील थी। और याया खान का मार्शल लॉ तो चैलेंज ही नहीं हुआ। दोराब पटेल साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मार्शल लॉ लगा तो हमने सोचा कि हम क्या करें,
तो हमने इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आए कि हम क्या करें भाई, हम कोर्ट में जाके बैठे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया, हम हैं कौन? ठीक है, तो फिर उनको जवाब आया सुप्रीम कोर्ट से कि हम बैठ गए कोर्ट में जाके, आप भी बैठ जाए। तो कोई जरूरत ही नहीं थी कि जजेस को कंट्रोल किया जाता, देवर विलिंग पार्टिसिपेंट्स लाइक द जजेस बिफोर 47, जो कलोनियल माइंडेड। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे लोग नहीं थे, ऑनेस्ट लोग नहीं थे, कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे, एक माइंडसेट। 71 के बाद इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि जजेस ने ये सोचा एक आधा मुल्क टूट गया, मेजॉरिटी मुल्क टूट गया, ये मार्शल लॉ कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। फिर 81 में जजेस को निकाल दिया जाता है तो वो साइलेंस में चले जाते हैं। फिर 86 से 99 का वो पीरियड है जहाँ पे द फर्स्ट वेव ऑफ जुडिशियल पावर इंक्रीज होता है। ये वो ज़माना है, आप लोग तो सब यंग होंगे, शायद पैदा ही नहीं हो उस ज़माने में, लेकिन ये वो ज़माना है जब एक्चुअली जो आप देखते हैं ना कि हर चीज़ पे सुओ मोटो ले लिया, केस फाइल हो गया, ये उस पीरियड में शुरू हुआ। और ये इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि सारी दुनिया में ये हो रहा था, देयर वाज दिस राइज ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और 88 के बाद दुनिया में वायरल की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंडिपेंडेंट, ये सारी दुनिया में फैल गई। 88 से पहले आप देखें, 88 के बाद आप देखें, देर इज़ अ फिनोमिनल इंक्रीज इन एवरी कंट्री हैविंग दीज फोर इंस्टीट्यूशंस। उससे पहले नहीं था, उससे पहले बहुत सारे डिक्टेटरशिप्स, दुनिया बदल गई थी तो ये जजेस भी तब्दील। फिर 2000 से 2005 का पीरियड है, ऑल्दो मुशरफ साहब का पीरियड है, लेकिन आपको ये नहीं होता कि जो जुडिशल एक्टिविज्म 99 तक था वो कंटिन्यू नहीं किया, वो कंटिन्यू किया। इवन जो एक यूसर्पर चीफ जस्टिस थे इरशाद हसन खान साहब, उन्होंने भी कंटिन्यू किया। ये जो आप नैब नैब सुनते हैं, इरशाद हसन खान साहब ने 2001 में वो कम्प्लीटली समझ लीजिए कि बस खूनी भाई नहीं थे मुशरफ के, उसके अलावा सब कुछ थे, वो बहुत करीब थे, बहुत ही करीब याराना। लेकिन 2001 में जब नैब लॉ मुशरफ साहब लाए तो उस आधा नैब लॉ उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब भाई अगर वो इतने करीब थे, उन्होंने सारे बुरे काम कर दिए थे तो क्यों किया? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एक हिस्ट्री का बर्डन होता है, इसलिए 3 साल लगाने पड़े। और उन्होंने जजमेंट में लिख दिया, अपनी रिव्यू की जजमेंट में इरशाद खान, कि अगर इसने 3 साल में इलेक्शन नहीं करवाए तो हमने जो लेजिटिमाइज किया है 99 का मार्शल लॉ, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन विदड्रॉन, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, इसलिए 3 साल बाद इलेक्शन। तो एक बहुत बुरा आदमी एक अच्छा काम कर जाता है क्योंकि वो एक सर्टेन हिस्टोरिकल पीरियड में होता है जो उसको मजबूर करता है कि वो ये काम करे। फिर 2006 से 2013 ये तो एक ऐसा पीरियड है जिससे आप वाकिफ हैं। फिर 2014 से 2021, इसमें आपको नज़र आता है कि ये तीनों चीज़ें कंटिन्यू कर रही हैं, कोलूजन भी है, साइलेंस भी है, डिफाइंस भी है और डिफेक्शन भी है। ठीक है, आपको एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, खोसा साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने फौजियों के साथ मिलके नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई की, ठीक है, वही फौजियों के ख़िलाफ़ हो गए जब वो चीफ जस्टिस बने। उनके टाइम अगर खोसा साहब नहीं होते तो मुशर्रफ का ट्रीजन ट्रायल कभी कंक्लूड नहीं होता, ये सिर्फ खोसा साहब की वजह से है कि उनका ट्रीजन ट्रायल कंक्लूड हुआ, क्योंकि द काइंड ऑफ जजेज हुवर अपॉइंटेड, एक कुल्हार था एक सुनहार था, इसलिए हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का केस उठा लिया उन्होंने, आप इमेजिन करें, जिस तरह मैं और आप जजेस के सामने खड़े होते हैं, पता नहीं हमारा घर जो है ये बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, नौकरी बचाएंगे नहीं, फरहान साहब ने निकाल दिया है और एग्ज़ाम में नहीं बैठने दे रहे हैं तो वो इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, उसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़े हुए थे वो, और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया, पार्लियामेंट चाहती तो एक्सटेंशन नहीं होती। लेकिन द वेरी फैक्ट कि ये इशू उठा पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? क्या खोसा साहब कलूट करते थे
या वो स्ट्रेटिजिक एक्टर्स। तो दीज मैं मुझे मालूम है बहुत सारी बातें कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड कर दिए हूँ, लेकिन आई थिंक ये जो छह एक्सप्लेनेटरी टूल्स हैं ये अगर आप जहन में रखें तो फिर ये मेरे ख्याल में कुछ समझ में आता है इनके इंटरप्ले से कि ये पैराडॉक्स क्यों है। थैंक यू जी, थैंक यू।